हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड रिव्यूज कैसे हैं आप सब तो हाँ आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा लेकिन अब इसको डिटेल में जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तो अभी तक के हमने बहुत सारे टाइप के वैक्स देखे हैं जैसे बीन वैक्स होता है जैसे हॉट चॉकलेट वैक्स होता है नॉर्मल वैक्स होता है बहुत सारे लेकिन ये एक ऐसा वैक्स है ये एक ऐसा वैक्स है ना जिसमें पेन है ना जिसमें गर्म पानी की जरूरत है ना मशीन की जरूरत है ना वो जैसे कपड़े से निकालते हैं डेनिम के या जीन से निकालते हैं या फिर स्ट्रिप से निकालते हैं ना उसकी जरूरत है किसी की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है ना किसी पार्लर वाले की जरूरत है कि आ, नहीं खींचते नहीं आएगा प्रॉपरली तो इसलिए हम पार्लर वाले के जाते हैं तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है ये एकदम होम रेमेडी टाइप है एक्चुअली ये हर्बल प्रोडक्ट है यस घर पे बनाए हुए प्रोडक्ट है लेकिन जैसे होम रेमेडी बोलते ना अपन की घर में करो फिर वो लगाओ ये पूरा 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 अपने को आयता मिलने वाला है कोई टेंशन नहीं है बस इसको करने के लिए हमको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ लेकिन इसके पहले ये प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट के बारे में आज तक कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिला है यस और इसका मैन्युफैक्चरिंग होम में ही हो रहा है किसी के और बिल्कुल सस्ता इजी सिंपल और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऐसा इसका रिजल्ट मुझे किसी ने शो किया अब मैं ये अपने ऊपर आ, करके देखने वाली हूँ कि ये इजीली और अच्छे से इफेक्टिव है या नहीं है पहले तो हम ये लोग ये जान लेते हैं कि ये वैक्स पाउडर कैसे यूज करना है क्या इसके बेनिफिट्स है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में दे दूंगी कि इसमें क्या 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 एलिमेंट्स है आइटम्स है लेकिन इसको यूज क्या करना है कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने एक बाउल में ये पाउडर निकाल दिया ठीक है मेरे पास दो पैकेट थे तो उसमें से एक पाउडर मैंने एक आ, मतलब दो तीन स्पून लेके मैंने इस कांच के बाउल में निकाल दिया ठीक है अब हम इसमें यूज करेंगे रोज वाटर आप किसी भी टाइप का रोज वाटर यूज कर सकते हैं आप घर का भी यूज कर सकते हैं आप कोई भी कंपनी का रोज वाटर इसमें यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? अब इसमें क्या करना है मिक्स विथ वाटर फॉर और रोज वाटर आप सादा वाटर भी यूज कर सकते हैं रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं एंड अप्लाई ऑन अनवांटेड हेयर कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी यस yes, आप सही गैसिंग कर रहे हैं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी मीन्स हेयर जहां जहां है हाथ पैर बिकनी अंडर आर्म्स इवन uh, अगर आपको पूरी बॉडी वैक्सिंग करना है तो भी आप इस प्रोडक्ट से कर सकते हैं ठीक है चीके? और इसको जेंटली क्लॉथ से और पानी की सहायता से हम निकाल लेंगे आ, या फिर हम कॉटन की सहायता भी लेकर इसको निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बेनिफिट क्या है यस, ये पेनलेस है एंड इजी टू यूज कोई प्रॉब्लम नहीं मैं, मैंने बोला ना कोई झंझट नहीं है पेन पेन तो बिल्कुल नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इतना कैसे हो सकता है ऐसा मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा है बस अप्लाई अभी कर रही हूँ अपने ऊपर नो हार्ड ग्रोथ लाइक अ रेजर यस जब भी आप वैक्स करते हो रेजर से वीट आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो कैसे बाद में बहुत हार्ड ग्रोइंग होती है आपकी हेयर्स की इवन बहुत लोग को वैक्सिंग करने के बाद में भी बहुत हार्ड और बहुत थिक ऐसे हेयर्स आते हैं तो इसमें बिल्कुल नहीं बहुत स्मूदिंग हेयर uh, uh, आएंगे और बहुत धीरे धीरे आएंगे ऐसा इसके रिजल्ट है और ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है यस yes, ये बॉयज भी यूज कर सकते हैं ये गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं दोनों भी यूज कर सकते हैं बॉयज वैक्सीन नहीं करवाते उस, उनका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वो पेन से डरते हैं लेकिन इस वैक्स से ऐसा नहीं होगा और प्रिकॉशंस क्या लेना है रिमूव ऑल ज्वेलरी बिफोर अप्लाइंग पेस्ट यस डू नॉट फिंगर और हैंड टू मेक पेस्ट आपको स्पून की सहायता से या वैक्सीन जो होता है जिससे आप लगाते हो उसकी सहायता से ही इसको लगाना है ना कि हाथ वगैरह से स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस जो ठंडी जगह की जगह है वहां आप इसको स्टोर करें बिल्कुल भी गर्म जगह या फिर ऐसे नॉर्मली ना रखें। सो so, इसका जो प्राइस है वो वन है और जो इसका एक पैकेट में आपको हंड्रेड ग्राम मिल जाएगा तो अब हम इसकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक ग्लास कप में या बाउल में दो से तीन कप पाउडर ले लिया है वैक्स पाउडर अब मैं इसमें रोज वाटर मिला रही हूँ तो मैंने इसमें नियर अबाउट डेढ़ चम्मच रोज वाटर मिलाया और अब मैं जितनी भी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वैक्स पाउडर को लगाने के हिसाब से उस हिसाब से मैं इसमें दो से तीन चम्मच वाटर मिलाऊंगी ताकि वो कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो जाए और मुझे लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि मुझे इसको बहुत जाड़ा नहीं लगाना है बहुत थिक नहीं लगाना है इसको मुझे मीडियम कंसिस्टेंसी uh, वाला ही बैटर बनाना है ईजी लग इजीली लग भी जाए और बिल्कुल पतला पतला ना रहे है ऐसा सो उस हिसाब से मैं बैटर बना रही हूँ और अब इसको अच्छे से मिला लूँगी तो अब ये जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है लगाने के लिए तो यहाँ मैं सबसे पहले लगा रही हूँ अपने लेफ्ट हैंड पे क्योंकि मुझे राइट right हैंड से लेफ्ट हैंड पे लगाने के लिए इजी जाएगा सो so, इसको मैं ऊपर से मीन्स आर्म से मेरे तो हैंड तक पूरा लगा रही हूँ एक तरफा एक तरफ से पूरा प्लेन और जहाँ जहाँ पे मुझे जगह दिख रही है वहाँ वहाँ प्रॉपरली मैं लगा रही हूँ ऐसा नहीं कि एक जगह पे जाड़ा लगा दिया और एक जगह पे पतला एकदम प्रॉपर रखे सेम कंसिस्टेंसी रखे लगाने की भी और ये आपका दोनों भी हाथ में इजीली 10 से 20 मिनट में लग जाएगा अगर आप आ, आपके पास बैटर बना के रेडी हो तो और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके यहाँ पे जो भी हेल्पिंग हैंड है जैसे मम्मी बहन या जो भी है आपके यहाँ पे कोई फ्रेंड उसको आप हेल्प के लिए बुला सकते हो कि आपका इजीली राइट हैंड लग जाए सो so, ये मैं दोनों भी हाथ में प्रॉपरली अभी लगा लूंगी और मुझे ये दोनों भी हैंड पे लगाने के लिए एटलीस्ट टेन टू ट्वेल्व मिनट्स लगे नॉट मोर देन दैट क्योंकि मैंने मेरी मम्मी की हेल्प ली तो दोनों हाथ फटाफट लग गए तो गाइस मुझे लगता है कि इसको रिमूव करने का टाइम आ गया आप देख रहे हो ये मेरा धीरे धीरे सूख रहा है ये पूरा नहीं सूखा है लेकिन मुझे फिर भी इसमें 15 मिनट्स एटलीस्ट आपको करना है तो मैंने 20-25 मिनट तो रखा ही होगा इसको आराम से सब मुझे लगता है और अभी हम इसको रिमूव कैसे करेंगे ये हमने पानी लिया है ठीक है इसमें मैं ये कॉटन डाल रही हूँ और एक एक पार्ट में धीरे धीरे इसमें डुबो के ऐसे पूरा सोक करके ठीक है, है और फिर इसको ऐसे धीरे-धीरे। इस प्रोसीजर में हो सकता है कि आपको दो तीन बार कॉटन लेना पड़े एक दो बार आपका पानी चेंज करना पड़े सो so इससे अच्छा आप एक और चीज कर सकते हो कि आप बड़ा सा कपड़ा भी यूज कर सकते हो इसे रिमूव करने के लिए आप उसको एक बार पानी में भिगोए निकाले फिर से पानी में डाले ऐसे करके दो तीन बार आप उसको रिमूव कर सकते हो इजीली तो गाइस फाइनली मैंने पूरा रिमूव कर दिया है ये आप देख रहे हो और क्लीननेस सॉफ्टनेस पूरे टाइम भी मेरा रिमूव हुआ है इससे बट मेरी कुछ मिस्टेक हो गई मीन्स आप भी वो मिस्टेक कर सकते हो तो वो क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बता दू सबसे पहले तो जब आप बैटर बनाते हो मीन्स लगाने के लिए तब आप ज्यादा बनाए थोड़ा ज्यादा मेरे हाथ छोटे छोटे थे फिर भी मुझे तीन से चार बार दो दो तीन तीन चम्मच लेना पड़ा और फिर मुझे लगाना पड़ा तो आप थोड़ा अच्छे से मीन्स आधा पैकेट तो पहले ले ही ले अगर आपके थोड़े हाथ मोटे हैं तो आपको आधा पैकेट एक इसको लगेगा आधा पैकेट एक इसको लगेगा सो उस हिसाब से आप ले उसके बाद में आप पूरा रोज वाटर मत डाले आधा रोज वाटर डालना जैसे आपको अगर छह चम्मच लग रहा है तो तीन रोज वाटर और तीन नॉर्मल वाटर डाले आ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इफेक्ट होगा डेफिनेटली एंड उसके बाद दोनों हाथ को एक साथ लगा ले क्योंकि कोई हो सकता है ये बोले कि पता नहीं असर करेगा क्या क्या होगा क्या लेकिन असर करेगा अगर आप एक पैच लगा रहे हो तो आप पूरा ही पैच लगाओगे ना बेसिक सा सेंस है एक पैस लगा रहे हो अगर अच्छा नहीं निकल रहा है तो वो छोड़ दोगे और वैक्स वाली क्या पे जाओगे क्या भागते हुए नहीं ना पहले पूरा करोगे उससे अच्छा दोनों हाथ एक साथ लगा ले पहले पूरा लगा ले अब मुझे बोला गया था 15 मिनट्स में रिमूव कर देना बट नहीं गाइस आप पच्चीस से तीस मिनट मीन्स डबल मिनट आप वो रखे मीन्स हो सके तो पूरा सूखने दे उसको कोई झंझट नहीं रिलैक्स रहे तब ये वर्क करे अब मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने रूम में किया अदरवाइज आप इसका जो क्लीनिंग है वो बाथरूम जो होता है आपका आप वहां क्लीन करे रूम में मत करे क्योंकि वो इतनी जगह खराब होनी है बिकॉज जब आप रिमूव करते हो तो आपको उसको जेंटली रब करना है मीन्स Uh, बहुत जोर से भी नहीं करना है तो बिल्कुल धो दिया ऐसा भी नहीं करना है बिकॉज आपके वो हेयर रिमूव ही नहीं होंगे सबसे मेन बात वो दिखेंगे तो जब वो गीला गीला होता है जब आप फर्स्ट टाइम वो क्लॉथ uh, या कॉटन जब अप्लाई करते हो तभी आपको उसको दो तीन बार अच्छे से रब कर करके ही करना है तभी आपके हेयर्स रिमूव हो गए अदरवाइज वो छोटे छोटे हेयर रह जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना बाथरूम में जाके या फिर जहां आप कंफर्टेबल हो थोड़ा घिचबिच हुए तो चलेगा ऐसे जगह पे जाके आप आ, वो आ, रिमूव करें हेयर्स आपके रिमूव करें बात है रिजल्ट की यस मुझे ऐसा लग रहा है मैं जस्ट अब भी वैक्स करके आई हूं ऐसा ही मुझे लग रहा है और थोड़ा सा जैसे पता नहीं किसी ने यूज किया हो वीट एंड अफ्रेंच ये अगर किसी ने यूज किया तो कैसे थोड़ा चरचर चरचर -चर लगता है इतना नहीं लग रहा है एकदम लिमिटेड मुझे आ, थोड़ा ऐसे हो रहा है कि हाँ कुछ अप्लाई किया था हल्का सा बट ये हर्बल है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा आपको कुछ आपकी स्किन विन खराब नहीं होगी एंड यस ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज कर सकते हो अब आप बोलोगे कहाँ अवेलेबल है तो अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो कमेंट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आई पे आप फॉलो करें मुझे वहां पर भी, भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो लोकल एरिया वालों को तो अवेलेबल हो जाएगा मेरे घर से लेकिन अगर कोई ऑनलाइन परचेस करना चाहता है या फिर ऐसा कुछ करना चाहता है तो आप डीएम करें मुझे फिर मैं आपको आगे की प्रोसीजर है वो समझा दूंगी सो यस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होप बिल्कुल पेनलेस है बॉय गर्ल कोई भी कर सकता है और इसके बाद का मुझे जो रिजल्ट बताया गया था वो ये है कि स्लोली हेयर्स आएंगे और बहुत नहीं आएंगे और सॉफ्ट हेयर्स आएंगे सो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है uh, मैं हो सके तो इसका रिजल्ट आपसे शेयर कर दूंगी कोई नेक्स्ट वाले वीडियो में अपडेट कर दूंगी इस वाले इसको और इसके और भी प्रोडक्ट्स है तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें तो मैं इसके आपको और भी रिव्यूज प्रोडक्ट्स के देना पसंद करूंगी और मैं जो जो अप्लाई करूंगी उसकी मैं आपको रिजल्ट डेफिनेटली बताऊंगी सो so, येस yes, ये वाला करते हैं व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो कुछ नया प्रोडक्ट्स अच्छा लगा अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय